एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम फल कथन की जो सीरीज है उसमें आज चर्चा करेंगे शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में। तो शनि ग्रह के प्रभाव में एक जनरल सब लोग प्रचलित चीज है कि जब भी चंद्रमा और शनि का युति बनती है तो उसको विषयोग की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। तो जैसे विषयोग का जो नाम सुनकर ही हम लोग परेशान हो जाते हैं और लगता है कि इसके कारण हमें विषयोग बनने के कारण कुंडली खराब हो गई है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु कुछ भाव हैं जिसमें अगर शनि और चंद्रमा का युति बनने का विषयोग बनने से भी आदमी जो है अपना अच्छा प्रभाव देता है कुंडली में और वो राजा जैसा अपना जीवन यतीत करता है। अगर वो कोई अच्छे घर में कुल में पैदा हुआ है तो उसमें अच्छी जगह पे अच्छे कार्य में अच्छे मान प्रतिष्ठा कमाता है। और अगर व्यक्ति अगर ऐसी जो भाव बता रहे हैं उसमें अगर ऐसे योग बन रहे हैं तो शुरू में जब उसके शुरू की जो लाइफ है जो उसमें संघर्ष रहता है और साथ साथ में संघर्ष और मेहनत के कारण वो व्यक्ति जो है अपना आने वाले वर्षों में वो उसको मान प्रतिष्ठा वगैरह अच्छे से प्राप्त होती है, अच्छी ऊंचाई पे जाता है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस अच्छी ऊंचाई पे वो व्यक्ति जाता है। तो आप कोई सा भी लग्न हो, ये जो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई सा भी लग्न हो और चौथे भाव में चंद्र शनि का योग बने या दसम भाव में चंद्र शनि का योग बने या ग्यारह भाव में चंद्र शनि का योग बने या चंद्रमा और शनि एक दूसरे को इन भावों में देख रहे हो तो ये जो योग बनेगा ये आपको राजयोग देगा, यानी आपको वो राजयोग की संज्ञा में आ जाएगा। और वो जो जनरल हम मानते हैं कि ये विषयोग का फल मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी लग्न हो आपके चौथे भाव में ऐसा दसम भाव ग्यारह भाव में उसमें दूसरी एक कंडीशन है कि जिस भाव में ये युति बन रही है ये अगर वो चौथे में बनती है दसवें में बनती है ग्यारह भाव में बनती है तो उसका जो स्वामी है वो तो या तो सौ राशि का होना चाहिए, उच्च राशि का होना चाहिए, मूल त्रिकोण राशि का होना चाहिए, या केंद्र में हो पहले चौथे सातवें दसवें भाव में हो या वो पाँचवें नवे भाव में हो। तो इस तरह से वो जिस जहाँ पे भी युति बन रही है उसका जो स्वामी बनेगा वो ग्रह जो है वो केंद्र त्रिकोण में सौराशि का उच्च राशि का मित्र राशि में बैठना चाहिए और बलवान होना चाहिए, अच्छे अंशों में होना चाहिए जिससे कि वो बलवान हो। तो ये युति का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, आदमी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दो नंबर है आपका वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है यहाँ पे, और जो हमने अभी सूत्र बताया कि नियम बताया शास्त्रों के अनुसार कि चंद्र और शनि की युति चौथे भाव में होना चाहिए या दसवें भाव में या ग्यारह भाव, तो यहाँ पे वो दसम भाव में चंद्र शनि की युति बनी है। फिर उसके बाद में ये देखा गया कि चंद्र शनि की जो युति बनी है उसमें जिस भाव में युति बनी है उसका स्वामी भी केंद्र त्रिकोण, तो यहाँ वो शनि है वो सौराशि का हो गया है और वो केंद्र में बैठा हुआ है अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो ये अच्छी स्थिति बन गई। तो ये दूसरा जो नियम है वो भी यहाँ लागू हो गया। तो और शनि जो आपको मालूम है कि ये कारक है और इसका काम है शनि का आपको कर्म प्रधान बनाता है व्यक्ति को, तो जो भी व्यक्ति है ये बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत और के बल पे इनको मान प्रतिष्ठा वगैरह अच्छी मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि चंद्र शनि की जो युति का फल हम यहाँ बता रहे हैं आपकी कुंडली में कि इस तरह की युति बनती है, तो आपको
जो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उत्तरार्थ में शुरू में प्रारंभिक जीवन में थोड़े संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, फिर उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देखिए कि ऐसे योग बन रहे हैं, वो चौथे भाव में होना चाहिए, दशम भाव में होना चाहिए, ग्यारह भाव होना चाहिए, या उनके एक दूसरे को देखना चाहिए कि मान लो यहाँ चंद्रमा बैठता है और शनि है, ये है तो चंद्र शनि एक दूसरे सम सप्तक दृष्टि से देखेंगे। इस तरह से योग को देखा जाएगा आपकी कुंडली में, तो आप इसमें पाएंगे कि आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता होगी। इसमें एक कंडीशन और है कि आपका लग्न भी मजबूत होना चाहिए, लग्न का स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, उसको भी बल प्राप्त होना चाहिए। तो यह सब स्थितियां होने पर आपको जब भी ऐसा योग बना है तो अपने लग्न के स्वामी के और बलवान करने के लिए उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। जैसे यहाँ शुक्र है तो शुक्र के मंत्रों के जाप करना चाहिए, तथा साथ साथ में चंद्रमा और शनि के लिए आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए, चंद्र और शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए, तथा आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, या साथ साथ में हो सके आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से आपने इस योग का जो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, वो आपने देखा, और ये राजयोग बनता है अगर आपकी कुंडली में अगर ये युति बन रही है, जिसको विष्णु विष योग के नाम से जाना जाता है, परंतु ये चौथे दस ग्यारह भाव में ऐसी युति का बहुत महत्व है। और उसका जो सूत्र बताया वो आपको फॉलो करना है कि जहाँ बैठा हो ये युति बन रही हो, उसका स्वामी भी केंद्रीय कुंड में स्व राशि के उच्च राशि का मित्र राशि में होना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में है तो आप जरूर देखिए, और आपको जो हमने बताया वैसे फल प्राप्त होने की बिल्कुल संभावनाएं होगी। आपको हमारे चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। साथ साथ में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे से कंसल्टेशन, परामर्श, अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, हमारे चैनल सब्सक्राइब किए, लाइक और वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए वापस आपका बहुत बहुत धन्यवाद।